बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया था बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ठीक है। आज हम बैलेंसिंग करेंगे एक दूसरे मेथड पे विच इज कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड, राइट। सो लेट अस टेक द स्टार्ट बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जो हाफ रिएक्शन मेथड है इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। नो ऑक्सीडेशन नंबर्स आर असाइंड इन दिस मेथड, अनलाइक द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जैसे पहले हमने किया था, उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे थे उन स्पीशीज को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, उनको हम ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन कर रहे थे। यहां पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में या हाफ रिएक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन नहीं करेंगे। इट अप्लाइज टू रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम। हाफ रिएक्शन मेथड हम उन रेडॉक्स रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे जो कि एक्वस मीडियम में होते हों, ठीक है, जिसमें वाटर एज ए मीडियम हम यूज करते हों, ठीक है। इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशंस बाय दिस मेथड। द फर्स्ट वन, द इक्वेशन इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ सेल रिएक्शंस, वन फॉर ऑक्सीडेशन एंड द अदर फॉर रिडक्शन। आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है, सही है। एक रिडॉक्स इक्वेशन आपको पता है दो इक्वेशंस पर मुश्तमिल होता है, उसमें एक यू नो ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। एक स्पीशीज उसमें ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। सो वन विल बी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, द अदर विल बी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। द रिएक्शन शो ओनली द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो हम हाफ रिएक्शन दो हम बनाएंगे सेपरेट, तो एक ऑक्सीडाइजिंग हाफ रिएक्शन होगा, दूसरा रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन होगा। तो जो दो हम सेपरेट लिखेंगे वो सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। अगर कोई ऐसी स्पीशी विद इन द इक्वेशन मौजूद है जिस जो कि इन्वॉल्व नहीं हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो स्प्लिटिंग में हम उसको नहीं लिखेंगे, वो मेन स्केलेटन में ही वही स्पीशी रहेगी, ठीक है। और जो हम स्प्लिटिंग करेंगे, जो सेपरेटली हम दो हाफ रिएक्शन निकालेंगे मेन इक्वेशन से, वो सिर्फ वही होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टू हाफ रिएक्शंस इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करें, तो उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लेंगे आप और दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, आपने नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास रिएक्टेंट पे हैं, कितने प्रोडक्ट पे, अगर दोनों सेम है तो ठीक है, बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो आपने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपके पास न्यूट्रल मीडियम है, सो इन न्यूट्रल मीडियम वाटर एंड हाइड्रोजन आयन कैन बी एडेड ऑन ईदर साइड। न्यूट्रल मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप वाटर और हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे दोनों में से किसी भी साइड पे। अगर एक साइड पे आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, दूसरे साइड पे आप हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन आयन मे बी यूज फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर कैन बी एडेड टू द अदर साइड। एसिडिक मीडियम में फिर हम हाइड्रोजन आयन और वाटर ऐड करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिकली कहां पे होगा, हाइड्रोजन आयन हम उस साइड पे ऐड करेंगे, दो साइड्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन आयन हम उस साइड पे ऐड करेंगे जिस साइड पे ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होगी। जिस साइड पे ऑक्सीजन की तादाद कम होगी उस साइड पे वाटर ऐड होगा, ठीक है। इन अल्कलाइन मीडियम वाटर में बी यूज फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन व्हाइल हाइड्रोक्सिल आयंस कैन बी एडेड टू द अदर साइड। अब अल्कलाइन मीडियम में हम वाटर और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो यूज करेंगे। वाटर हमने
हाइड्रोक्सल आयंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यूज करने हैं, ठीक है। तो जिस साइड पे आपके पास ऑक्सीजन कम मिकदार में मौजूद हो, उस साइड पे आपने वाटर लगाना है, दूसरी साइड पे फिर आपने हाइड्रोक्सल ऐड करने हैं, ठीक है। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डिफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद जब आपके पास एटम्स बैलेंस हो जाए, तो एटम्स बैलेंस होने के बाद फिर आपने चार्ज को देखना है कि दोनों साइड पे चार्जेस सेम है या नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मसलन एक साइड पे प्लस टू चार्ज है फॉर एग्जांपल, दूसरे साइड पे चार्ज नहीं है, जीरो है, न्यूट्रल है, ओवरऑल जीरो चार्ज अगर आ रहा है, तो जिस साइड पे प्लस टू है उसी साइड पे आपने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं कि वो प्लस टू और माइनस टू कैंसिल होकर जीरो बन जाए। अगर एक साइड पे लेट से माइनस टू चार्ज है तो उसके अपोजिट साइड पे फिर आपने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ठीक है। जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसी साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, अगर किसी साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसके अपोजिट साइड पे फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंस करना है, और इलेक्ट्रॉन हम प्लस में अगर कोई साइड इंक्रीज है ज्यादा है, प्लस चार्ज अगर ज्यादा है तो उसी साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और अगर किसी इक्वेशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उसके अपोजिट साइड पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने, क्योंकि ओवरऑल हमने बैलेंस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच हाफ रिएक्शन बाय नंबर सो दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग जो रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, रिड्यूसिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का सेम होना जरूरी है। तो आप एक्सोटेबल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था, ठीक है। तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोनों साइड्स पे यानी दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट को सेम रखना है, ठीक है। एड द टू हाफ रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन कैंसिल एनीथिंग अपीयरिंग ऑन बोथ साइड्स इन द नेट इक्वेशन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब चार्ज भी बैलेंस हो जाए, एटम्स भी बैलेंस हो जाए, फिर उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को वापस आपने एड करना है, सही है। तो इससे आपके पास मोस्टली बैलेंस इक्वेशन आ जाता है। अगर फिर भी अगर कोई कमी बेशी है तो फिर उसको इंस्पेक्शन मेथड से मजीद आपने बैलेंस कर देना है। सो चेक द फाइनल इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन द नेट चार्ज ऑन द ईदर साइड। तो आखिर भी आपने इंस्पेक्शन करना है, एटम्स आपने दोनों साइड पे काउंट करने हैं, और एटम्स को काउंट करने के साथ साथ आपने क्या करना है, चार्जेस को भी देखना है कि दोनों साइड पे चार्जेस भी बैलेंस्ड हों, ठीक हो गया। तो अब इसी को हमने यूटिलाइज करना है जो रूल्स हमने पढ़े, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो हाफ रिएक्शन को सेपरेट करना है, निकालना है इक्वेशन से, रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को सेपरेट करना है। फिर सेपरेट करने के बाद आपने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन में जितने एटम्स हैं वो आपके पास बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोजन आयन और वाटर ऐड करना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन और वाटर ऐड करना है। हाइड्रोजन आयन उस साइड पे होगा जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, वाटर उस साइड पे होगा जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होंगे, और बेसिक में आपने हाइड्रोक्सिल और वाटर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चार्जेस जो है वो बैलेंस करने हैं। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए अगर किसी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं तो उसी साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, अगर किसी इक्वेशन में नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं तो जिस साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं उसके अपोजिट साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, सही है। फिर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन उसको बैलेंस करना है, और उसके बाद क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करके फाइनल इक्वेशन बनाना है, और इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स और चार्जेस वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप एक रिडॉक्स इक्वेशन को जो कि एक्वस मीडियम में होता हो उसको आप बैलेंस कर सकेंगे, ठीक है। अब एक इक्वेशन जो गिवन है यहां पे इसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें हम कौन सी चीज ऐड करेंगे, हाइड्रोजन आयन और वाटर, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयन उस साइड पे ऐड होगा जिस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, और वाटर उसके अपोजिट साइड पे ऐड होगा, ठीक है। तो इसको स्टेप वाइज देखते हैं, राइट। सबसे पहला स्टेप जो होता है दो हाफ रिएक्शंस में हमने इसको स्प्लिट करना है, तो दो जो हाफ रिएक्शंस से देखें आपके पास
ये एक मेन इक्वेशन है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो आई माइनस से आई जीरो बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो आयोडाइड से आयोडीन बनना ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट करना है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, और NO2 में नाइट्रोजन प्लस 4 है, यहां पे प्लस 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है, इससे ऑक्सीजन भी निकल रहा है, देखें यहां पे दो ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, राइट। सो ये रिडक्शन है। सो हमने जब इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन होगा, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमने बैलेंस करने। तो आप देखें यहां पे हमारे पास कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, यहां पे कितने एटम्स हैं, एक एटम है, तो हम यहां पे टू लगाएंगे, आयोडाइड के साथ हमने टू लगाना है, तो इधर भी टू आयोडीन हो जाएंगे, इधर भी टू आयोडीन हो जाएंगे। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे NO2 है, यहां पे NO है, सही है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाटर और हाइड्रोजन आयन का सहारा लेंगे। तो इस साइड पे हमने हाइड्रोजन आयन लगाना है, इस साइड पे हमने वाटर लगाना है, ठीक है। तो आप देखें हम क्या करेंगे, आयोडाइड से हमारे पास टू आई बन गया, आई टू हमारे पास अपनी जगह पे, इधर भी दो आयोडीन आपके पास हो गए, इधर भी दो आयोडीन आपके पास हो गए, ठीक है। सेकंड NO2 यहां पे दो ऑक्सीजन थे, इधर एक ऑक्सीजन है, तो अगर इधर हम एक वाटर लगा लें तो वाटर का एक ऑक्सीजन और इसका एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गए, तो प्रोडक्ट पे भी दो ऑक्सीजन, रिएक्टेंट पे भी दो ऑक्सीजन। अब यहां वाटर के साथ दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड पे हम दो हाइड्रोजन आयन लगाएंगे, तो एक साइड पे हमने वाटर लगा लिया, दूसरे साइड पे हमने हाइड्रोजन आयन लगा दिया, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने चार्ज को अब देखना है, देखें आपके पास अब इसमें लेफ्ट साइड पे यहां पे आयोडाइड को देखें तो इसमें दो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या हैं, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन दो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने प्रोडक्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, ताकि हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस प्रोडक्ट पे भी आ जाए। तो हम आई टू के साथ दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और यहां पे आप देखें दो एच पॉजिटिव है, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोडक्ट पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम इन दो पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये हमने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं राइट साइड पे, तो देखें यहां भी दो माइनस चार्जेस हैं, प्रोडक्ट पे भी दो माइनस चार्जेस हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके पास जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो गए। और यहां पे आप हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है, इसी साइड पे हमने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो ये दो प्लस दो माइनस कैंसिल होकर जीरो हो जाता है, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, ठीक हो गया। तो ये चार्जेस बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन बराबर है या नहीं बराबर, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और दो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो वो बराबर है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसके बाद वाले स्टेप पे जाएंगे, हमने दोनों रिएक्शन को क्या करना है, एड करना है सिंपली, ठीक है। तो जो हम इनको एड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो आयोडाइड देखें अपनी जगह पे आ गया, फिर प्लस NO2 आ गया, फिर प्लस 2H, दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट साइड पे है, एक प्रोडक्ट साइड पे है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सेम चीजें आ जाती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि प्लस टू इलेक्ट्रॉन को आप इधर ले आए तो ये माइनस टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे आई टू NO और H2O ये हम यहां पर लिख लेंगे, सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्शन में हमने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है या नहीं है, इसी तरह चार्जेस सेम है या नहीं है। तो चार्जेस तो सेम है, देखें इधर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, साथ में दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव कैंसिल होकर ये जीरो, इधर भी जीरो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखें दो आयोडीन है, ये भी दो आयोडीन है, इधर एक नाइट्रोजन तो इधर एक नाइट्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन तो यहां पे एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो दो ऑक्सीजन ये हो गए, दो हाइड्रोजन है ये और ये भी, यहां पर भी दो हाइड्रोजन है, सो ओवरऑल ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड है, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बैलेंसिंग, सही है, बाय आयन एक्सचेंज मेथड, या इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं, सही है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें जी, बी नंबर कौन सा, ये वाला, यहां पे आप देखें मैंने आपको बताया कि आपने चार्जेस को बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें यहां से, तो आप देखें इसमें हमारे पास कितने चार्जेस हैं लेफ्ट साइड पे, सेन आपने बताना है कितने चार्जेस हैं, दो, कौन से चार्जेस हैं, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव। देखिए एक प्लस चार्ज है, मतलब एक हाइड्रोजन पे वन पॉजिटिव है, तो दो हाइड्रोजन जब होंगे तो दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए, यानी आप सेपरेटली इसको H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव लिखें, सही है। तो एक H का पॉजिटिव दूसरे H का पॉजिटिव, टोटल कितने चार्जेस हो गए, प्लस टू। अब हमने चार्ज को किस तरीके से करना है बैलेंस, इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन हम कहां पे ऐड करेंगे, H के साथ ही हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, क्योंकि हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है ओवरऑल, क्योंकि राइट साइड पे आपके पास कोई चार्ज नहीं है, तो अगर हम राइट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो प्रोडक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिएक्टेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर तो वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे आपके पास क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को लगाना है, इलेक्ट्रॉन को लगाना है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए हम दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, सो दैट इज वाई हमने यहां पे टू इलेक्ट्रॉन पुट किए हुए हैं। सो ये दो माइनस चार्जेस, ये दो पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पे भी चार्जेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहां पे ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन, नहीं है, ओके, थैंक यू वेरी मच।